गिनती 19वां बाब। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि शरा के जिस आयन का हुक्म खुदावन ने दिया है वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बच्चिया लाएं, जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो, और तुम उसे लेकर अलेजर काहिन को देना कि वो उसे लश्करगाह के बाहर ले जाए और कोई उसे उसी के सामने ज़िबह करे, और अलीज़र काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उसे खैमाए इज्तमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के। फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे, यानी उसका चमड़ा और गोश्त और खून और गोबर, इन सब को वो जलाए। फिर काहिन देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें गाय जलती हो डाल दे। तब काहिन अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे। इसके बाद वो लश्करगाह के अंदर आए, फिर भी काहिन शाम तक नापाक रहेगा, और जो उस गाय को जलाए वो भी अपने कपड़े पानी से धोए और पानी से गुसल करे, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और कोई पाक शख्स उस गाय की राख को हटोरे और उसे लश्करगाह के बाहर किसी पाक जगह में धर दे। ये बनी इसराइल की जमायत के लिए नापाकी दूर करने के पानी के लिए रखी रहे, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। और जो उस गाय की राख को बटोरे वो भी अपने कपड़े धोए, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और ये बनी इसराइल के और उन परदेशियों के लिए जो उनमें बुदोबाश करते हैं एक दायमी आयन होगा। जो कोई किसी आदमी की लाश को छुए वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। ऐसा आदमी तीसरे दिन उस राख से अपने को साफ करे तो वो 7वें दिन पाक ठहरेगा, पर अगर वो तीसरे दिन अपने को साफ ना करे तो वो 7वें दिन पाक नहीं ठहरेगा। जो कोई आदमी की लाश को छूकर अपने को साफ ना करे वो खुदावन के मस्कन को नापाक करता है। वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाएगा, क्योंकि नापाकी दूर करने का पानी उस पर छिड़का नहीं गया, इसलिए वो नापाक है। उसकी नापाकी अब तक उस पर है। अगर कोई आदमी किसी डेरे में मर जाए तो उसके बारे में शरा ये है कि जितने उस डेरे में आए और जितने उस डेरे में रहते हों वो 7 दिन तक नापाक रहेंगे। और हर एक खुला बर्तन जिसका ढकना उस पर बंधा ना हो नापाक ठहरेगा। और जो कोई मैदान में तलवार के मकतूल को या मुर्दा को या आदमी की हड्डी को या किसी कब्र को छुए वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। और नापाक आदमी के लिए उस जली हुई खता की कुर्बानी की राख को किसी बर्तन में लेकर उस पर बहता पानी डालें। फिर कोई पाक आदमी जूफा लेकर और उसे पानी में डबो डबो कर उस डेरे पर और जितने बर्तन और आदमी वहां हों उन पर, और जिस शख्स ने हड्डी को या मकतूल को या मुर्दा को या कब्र को छुआ है उस पर छिड़के, वो पाक आदमी तीसरे दिन और 7वें दिन उस नापाक आदमी पर इस पानी को छिड़के और 7वें दिन उसे साफ करे। फिर वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए तो वो शाम को पाक होगा। लेकिन जो कोई नापाक हो और अपनी सफाई ना करे वो शख्स जमायत में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद के मकदस को नापाक किया। नापाकी दूर करने का पानी उस पर छिड़का नहीं गया, इसलिए वो नापाक है।
और ये उनके लिए एक दायमी आयन हो जो नापाकी दूर करने के पानी को लेकर छिड़के। वो अपने कपड़े धोए और जो कोई नापाकी दूर करने के पानी को छुए वो भी शाम तक नापाक रहेगा, और जिस किसी चीज को वो नापाक आदमी छुए वो चीज नापाक ठहरेगी, और जो कोई उस चीज को छू ले वो भी शाम तक नापाक रहेगा।